सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया एक बड़ा ही दुखद समाचार। देखिए, हमारे इंडियन आर्मी का जब नुकसान होता है ना, तो सच में पूरे देश का नुकसान होता है। मशेडी के अंदर जो ये हमारी इंडियन आर्मी के एक गाड़ी के ऊपर जो आतंकवादियों ने हमला किया, ये कायरता है पाकिस्तानी आतंकवादियों की। क्योंकि आपने देखा कि कल जो कुलगाम के अंदर दो एनकाउंटर हुए, उसके अंदर हमने 4 से 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद इन कायर आतंकवादियों ने देखो किस तरह से हमारी आर्मी की गाड़ी के ऊपर हमला किया। मेरे साथ रविंदर जी हैं। रविंदर जी, एक बड़ा दुखद समाचार, हमारे सेना के 4 शूरवीर जो हैं वीरगति को प्राप्त हुए, 6 के करीब जो हैं हमारे जवान इसमें घायल भी हैं। इस पूरे हमले को किस तरह से देखते हैं मशेडी? और सुनने में ये भी आ रहा था कि आपका भी दौरा था एक दो दिन का उसी इलाके में, मतलब बिलावर बनी इस इलाके में। पूरा देश भारतीय सेना के जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता है, सलूट करता है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपना सर्वस्व बलिदान मातृभूमि की रक्षा में किया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के मशेडी बदनोता क्षेत्र में सेना की एक वाहन जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रहा था और घने जंगलों में जब उस क्षेत्र से सेना का वाहन निकल रहा था, उस पर घात लगाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें हमारे जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए। पूरा देश अपने इन वीरों को नमन करता है, सलूट करता है, सलाम करता है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया किया है। 2 दिन पहले कुलगाम के अंदर 6 पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने एक जॉइंट एनकाउंटर में किया। उससे पहले डोडा के गंधों में आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया और 3 आतंकवादियों को वहां भी हमारे जांबाज वीरों ने उनका काम तमाम किया। उससे पूर्व कुपवाड़ा में, बारामूला में हमने देखा कि लगातार हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस दुश्मन की हर साजिश को विफल कर रहे हैं। हमारी सेना ने, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी पाकिस्तान के हर मंसूबे को फेल किया। पाकिस्तान के हर साजिश और षड्यंत्र को हमारी सेना ने निस्ते नाबूद किया है। आगे भी इस प्रकार के हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। हमें बड़ा दुख हुआ जब ये समाचार मिला कि कठुआ के मशेडी के बदनोता एरिया में इस प्रकार का जो आतंकी हमला हुआ और उसमें हमारी सेना के कुछ जांबाज वीरगति को प्राप्त हो गए। जिन आतंकवादियों ने, जिन साजिशकर्ताओं ने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है, उनको उनके इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस सारे क्षेत्र को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, उसने घेराबंदी कर दी है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 4 से 5 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी सेना को प्राप्त हुई है। इस आतंकी हमले में साजिश, आतंकियों का यकीनन सफाया होगा। ये अमन के दुश्मन, ये इंसानियत के दुश्मन, ये कायर लोग हैं जो इंसानियत का कत्ल करते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों का, खवातीन का, बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है।
ये कायर लोग हैं, ये बुजदिल लोग हैं, ये लोग रात के अंधेरे में छिपकर वार करते हैं पीठ पर, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई लड़ने का इन आतंकवादियों में दम नहीं है। और इस किस्म की ये साजिश करते हैं, इनकी हर साजिश फेल की जाएगी और आतंकवादियों का जड़ से सफाया होगा। रविंदर जी, रियासी में भी इन्होंने इस तरह से हमला किया, राजौरी में भी इस तरह के हमले, हमारे जो शांत इलाके हैं अब उनको डिस्टर्ब करने की ये लगातार कोशिश है, क्योंकि कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद इनका पूरा का पूरा सफाया हो चुका है और आप देख रहे हैं कि कुछ गिने चुने आतंकवादी रह चुके हैं, और जैसे डीजी साहब ने भी कहा कि एक आखिरी सांस से ले रहा आतंकवाद, पिछले तो फिर भी ये जम्मू की तरफ अगर रुक देखिए, पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली मजबूत हो रही है। एक जमाना होता था जब शाम 4 बजे सड़कें सुनसान होती थी, बाजार बंद हो जाते थे, आज रात के 2-2 बजे तक कश्मीर का लाल चौक खुला होता है। आज कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, बड़गाम, गांधरबल, श्रीनगर, हर जगह दिन रात चहल पहल होती है। आज रजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, हर क्षेत्र के लोग सुखचैन की सांस ले रहे हैं। ऐसे में ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसका अपना घर तो बर्बाद है, जिसके घर में अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी देने का जिसके पास इंतजाम नहीं है, वो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में खूनी खेल खेलने की हर कोशिश करता है। इससे पहले भी हर कोशिश को हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने विफल किया है। हमारे लोगों ने, चाहे वो जम्मू रीजन के लोग हों, चाहे वादी कश्मीर के लोग हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के, कश्मीर के, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ, उधमपुर या फिर वादी कश्मीर के लोगों ने, सब ने मिलकर एकजुट होकर पिछले 35-40 साल इस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है। आतंकवाद को हमने घुटनों के बल लाया है और ये जो कुछ साजिशें और सीमा पार से, बॉर्डर से जो घुसपैठ करके आतंकवादी आए हैं और जिन्होंने ये आतंकी घटना को अंजाम दिया है, ये भी नहीं बचेंगे। सेना और पुलिस ने चारों तरफ मशेडी बदनोता क्षेत्र की घेराबंदी कर ली है। जिन्होंने ये दुस्साहस किया है, उनको इस पाप की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, एक बड़ा ही दुखद समाचार है, क्योंकि 4 हमारे सेना के शूरवीर जो हैं इसमें वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ये हमारा एक देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन सही कहा रविंदर जी ने, इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और NSA अजीत दोवाल जी से कहूंगा, पाकिस्तानियों को इनकी असली औकात फिर से दिखानी पड़ेगी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में दिखाई थी। राम राम।